लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को सोमवार को एकता दिवस के रूप में मनाया गया। धनबाद में राष्ट्रीय एकता दौड़ आयोजित की गई। इस दौड़ में धनबाद के उपायुक्त संदीप कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया, साथ ही क्लब के सदस्यों ने भी भाग लिया। सोमवार की सुबह लगभग 7:30 बजे रन फॉर यूनिटी धनबाद के सिटी सेंटर से शुरू होकर रणधीर वर्मा चौक पहुंची। इस दौड़ में उपायुक्त के अलावा अन्य अधिकारी शामिल रहे। उपायुक्त ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, नेहरू युवा केंद्र के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। दौड़ और सिटी सेंटर से शुरू होकर रणधीर वर्मा चौक पहुंचा। आज राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती है, उसका राष्ट्रीय एकता दिवस आयोजन धनबाद जिले में किया गया। इसी कड़ी में हम लोग यहाँ देख रहे हैं सभी विभागों के पदाधिकारी हैं, एस एस के लोग, सीसी के लोग, नेहरू युवा केंद्र के लोग, बाकी जिलेवासी हैं, ये सब सिटी सेंटर से स्टार्ट करके हम लोग चौक पर हम लोगों ने दौड़ का आयोजन किया गया है। और आज एक ऐसा अवसर होता है जो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के कार्यों को, उनके जीवन मूल्यों को, सिद्धांतों को याद भी करते हैं और अपने जीवन में कैसे उनको उतार सकें, राष्ट्र के प्रति अपना क्या योगदान दे सकें, इसकी हम लोग एक समीक्षा भी करते हैं, एक संकल्प भी लेते हैं। उनकी जीवन शैली से बहुत कुछ सीखने का एक अवसर रहता है। तो फिर से एक बार राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सभी को बहुत शुभकामनाएं और आज विश्व प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी का दिवस भी है, उनको भी हम लोग उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के कार्यों को जीवन शैली में उतारने तथा उनके सिद्धांतों को अपने जीवन का अंग बनाने का हम सबों को प्रयास करना चाहिए। राष्ट्र के प्रति हम सब कैसे कुछ ना कुछ योगदान दे सकें, इसकी भी समीक्षा करनी चाहिए और ऐसा करने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी है, उन्हें भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।